देश की राजधानी दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप और सीएनजी पंप 22 अक्टूबर को हड़ताल पर रहेंगे। पेट्रोल पंप एसोसिएशन का कहना है कि दिल्ली के आसपास के राज्यों में वैट घटने के बावजूद राजधानी में वैट की दरें कम नहीं हुई हैं। दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप और उनसे जुड़े सभी सीएनजी स्टेशन 22 अक्टूबर सुबह 6 बजे से 23 अक्टूबर सुबह 5 बजे तक हड़ताल पर रहेंगे और इसके चलते उनकी सेल में भी गिरावट आ रही है। जानकारी दे दें कि आसपास के राज्यों से यूरो 4 पेट्रोल डीजल भरवाने से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। दिल्ली में तकरीबन 400 पेट्रोल पंप्स हैं। इन हड़ताल में कंपनियों की तरफ से संचालित 10 पेट्रोल पंप शामिल नहीं हैं। तो दिल्ली में आज पेट्रोल पंप्स के साथ साथ सीएनजी पंप्स की भी हड़ताल है। बैंक एक तरफ बंद रहेंगे, त्योहारी सीजन में खड़े हैं हम, और ऐसे में ये दो हड़ताल, पेट्रोल पंप जहां हड़ताल पे अड़े हुए हैं, वहीं बैंक मर्जर को लेकर बैंक का एसोसिएशन विरोध कर रहा है और वैट की दरें कम करने को लेकर राजधानी में ये हड़ताल की जा रही है। चलिए, शिव त्यागी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव, क्या कुछ अपडेट है, किस तरह की मांग उठा रहे हैं, वैट की मांग को के अलावा और किस तरह की मांग है जो उठाई जा रही है? देखिए, पेट्रोल एसोसिएशन के द्वारा पहले ही ये ऐलान कर दिया गया था। 16 अक्टूबर को जब उन्होंने प्रेस वार्ता की थी, उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार में जिस तरीके से पेट में वृद्धि है और उसको कम नहीं किया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो पेट्रोल पंप मालिक हैं, डीलर्स हैं, उनको इसका खासी नुकसान देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो उनके महीने की इनकम है उसमें 20-30% तक गिरावट आई है। उसको लेकर उन्होंने एक ज्ञापन भी दिया था, लेकिन जिस पर कोई अमल नहीं किया गया, जिसके बाद उन्होंने 16 अक्टूबर को ये निर्णय लिया कि दिल्ली में जो पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन है वो 22 अक्टूबर को हड़ताल पे रहेगी वैट वृद्धि की मांग को, गिरावट को लेकर। उन लोगों का कहना है कि जो अन्य राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, जो दिल्ली से सटे हुए हैं, वहां पे वहां की सरकार ने वैट में गिरावट की है, जिसमें दिल्ली और अन्य राज्यों के जो पेट्रोल का अंतर है या डीजल का अंतर है, करीब 2.75 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से फर्क आ रहा है, जिसकी वजह से जो ग्राहक है वो दिल्ली की बजाय अन्य राज्यों में पेट्रोल डलवाते हैं और डीजल डलवाते, जिसका खासी नुकसान उनको देखने को मिल रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि यूरो 4 जो अन्य राज्यों में जो पेट्रोल और डीजल की मानक है वो डाला जा रहा है, जिस वजह से जो अन्य राज्यों से आने वाले जो वाहन है वो दिल्ली में अगर आते हैं तो वो प्रदूषण फैलाते हैं, और दिल्ली में यूरो 6 जो स्टैंडर्ड पेट्रोल का एक मानक रखा गया है वो कहीं ना कहीं जो है नहीं डलने की वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। वहीं उनका कहना है कि जिस वजह से वैट में वृद्धि हुई है उसकी वजह से जो दिल्ली के लोग हैं वो पेट्रोल अब नहीं डलवा रहे और आसपास के जो दिल्ली से सटे हुए जो राज्य हैं वहां पे पेट्रोल डलवा रहे और डीजल डलवा रहे, कहीं ना कहीं इसका उनको नुकसान हो रहा है, जिसके विरोध में 22 अक्टूबर की सुबह 6 बजे यानी आज सुबह 6 बजे से कल शाम 5 बजे तक जितने भी डीलर एसोसिएशन के द्वारा पेट्रोल पंप है वो सभी बंद रहेंगे। वहीं एक राहत की बात जरूर दिल्ली वासियों के लिए है कि कंपनियों के द्वारा जो पेट्रोल पंप चलाए जा रहे हैं वो खुले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो कि इस एसोसिएशन के द्वारा नियुक्त करे गए हैं, जिनके द्वारा है, लेकिन उनका इस हड़ताल में शामिल होना नहीं बताया गया। तो एक राहत की बात दिल्ली वासियों के लिए जरूर है कि उनको कहीं ना कहीं जो पेट्रोल पंप की लाइनों में लंबा कतारों में खड़ा होना पड़ेगा वो उससे थोड़ी सी राहत मिल सकती है। चलिए ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट दोबारा लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल यही जानकारी मिल पाई है कि वैट की दरों को लेकर ये हड़ताल की गई है। आज सुबह 6 बजे से लेकर कल शाम 5 बजे तक पेट्रोल पंप्स के साथ साथ सीएनजी स्टेशन भी बंद रहेंगे।